इंस्टीट्यूट एंड बॉलीवुड कास्टिंग एजेंसी नागपुर शहर में जल्द ही शुरू होने जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि शहर के बच्चों को एक्टिंग, डांसिंग और सीरियल्स एंड फिल्म्स में बिना स्ट्रगल के कास्ट करना है। मुंबई जाकर स्ट्रगल करने के बाद भी बहुत से बच्चों में हुनर होते हुए भी निराश होकर वापस लौटना पड़ता है, इसीलिए शहर में ही बच्चों को ट्रेनिंग भी मिले और उनका कास्टिंग भी हो, करनी किरण एक्टिंग इंस्टीट्यूट एंड बॉलीवुड कास्टिंग एजेंसी शुरू होने जा रही है। कोरोना में एक जगह जहां माता पिता अपने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई से परेशान थे, वही आदित्य सुरेश खंडेलवाल उम्र 10 एवं रणवीर शेखावत उम्र 10 साल की माता पिता अपने बच्चे के सपने को साकार होते देख खुश थे। दोनों बच्चों ने लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने शौक को भी महत्व दिया और सफलता हासिल की और शहर का नाम फिल्म जगत और धारावाहिक क्षेत्र में दर्ज किया। 2 साल के सफर में आदित्य ने गैंग्स ऑफ बिहार और नफीसा जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी दिखाई, साथ ही सोनी चैनल के 2 सीरियल 9 मंथ्स की लव स्टोरी और गणेशा में भी काम किया। आदित्य ने वेब सीरीज माँ में भी अपनी अदाकारी से सबका मन मोह लिया। वहीं रणवीर ने गैंग्स ऑफ बिहार और सीरियल पाइपलाइन में अदाकारी दिखाई, साथ ही वेब सीरीज बुकवर्म में काम किया। करनी किरण एक्टिंग एकेडमी मैं लेकर आई हूँ नागपुर के लिए, बिकॉज जो स्ट्रगल हमने किया, जो हमारे बच्चों के लिए हमने मेहनत की, हम लोग मुंबई गए, हमने वहाँ ऑफिसों के चक्कर काटे, काफ़ी टाइम हमारा वहाँ पे गया। तो मुंबई में जो भी पेरेंट्स हैं, जो काफ़ी बच्चे उनके टैलेंटेड हैं, लेकिन वो डायरेक्ट मुंबई नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, तो वो कन्फ्यूज़न में वो अपने बच्चों के टैलेंट को आगे नहीं ले जा पा रहे। तो उसके लिए मैंने ये करनी किरण एक्टिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर ओपन करने जा रही हूँ, जो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है कि रिस्पॉन्स मिलने वाला है मुझे, क्योंकि हमारे बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जो हमसे जुड़ेंगे उनको हम ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे, अगर कोई ऑनलाइन करना चाह रहा है उनको वर्कशॉप देंगे। और वर्कशॉप के लिए हमारे साथ मुंबई से ट्रेनर हैं जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं एक्टिंग की, डायरेक्टर्स लोग रहेंगे, कास्टिंग टीम रहेंगी, तो वो जो भी बच्चे हमसे जुड़ेंगे उनके ऑडिशन लेंगे, उनको ट्रेन करेंगे और उनको डायरेक्ट कास्ट करेंगे। मतलब उनको मुंबई जाके स्ट्रगल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट टीवी पे काम करेंगे। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि नागपुर के बच्चों के लिए मैं एक बहुत बड़ा काम कर पाऊँ, जिससे बच्चों को एक सुविधा मिलेगी कि उनको वहाँ जाके स्ट्रगल ना करना पड़े। तो इसके थ्रू मैं वही काम करना चाहती हूँ कि बच्चे इजीली अपना काम कर पाएंगे। दोनों ही बालकों ने ये साबित कर दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उनकी लगन के आगे लॉकडाउन भी फीका पड़ गया। दोनों बालक अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिवार और शिक्षकों को दिया है। उनका मानना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हर दिन अपने साथ नई ऊर्जा लेकर आता है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।